नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में 15 फरवरी रात 12 बजे से नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। नेशनल टोल प्लाजा पर फास्टैग के लिए विशेष सुविधा की गई है। फास्टैग लेन में इजाफा किया गया है। इस नई व्यवस्था से जहाँ डिजिटल टोल कलेक्शन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं टोल पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगाया है या जिनकी गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे हैं, उनसे दोगुना टोल टैक्स लिया जा रहा है। हालांकि टू व्हीलर को इससे बाहर रखा गया है। इस नई व्यवस्था के बाद फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इंदौर के एक टोल प्लाजा कर्मचारी का कहना है कि फास्टैग के बिना वाहनों के मालिकों से जुर्माने के तौर पर दोगुना पैसा लिया जा रहा है। वहीं नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन की संख्या भी बढ़ा दी गई है, ताकि वाहन चालकों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में 40,000 से ज़्यादा सेंटर बनाए हैं, जहाँ से आप इस जरूरी दस्तावेज दिखाकर फास्टैग खरीद सकते हैं। जब आप टोल प्लाजा से होकर गुजरेंगे, तो उसके किनारे फास्टैग के लिए बूथ बनाए गए हैं, जहां से आप फास्टैग खरीद सकते हैं और रिचार्ज भी करा सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट, पेटीएम और अन्य डिजिटल वॉलेट कंपनियां भी इसकी बिक्री कर रही हैं, तो आप इसे घर बैठे मंगा कर अपने वाहन की सामने वाली विंड स्क्रीन पर लगा सकते हैं। फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की गई है। इसके अलावा 200 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी पड़ती है। इसे आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि सरकार ने 15 फरवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगे होंगे, उन्हें देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा। मंत्रालय के बयान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो भी टोल टैक्स लेने वाले प्लाजा होंगे, उन्हें फास्टैग लेन घोषित किया जाएगा। अब हाइब्रिड लेन्स को खत्म कर दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के तहत जिस वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा या वो वैध नहीं होगा, उन्हें फास्टैग लेन में उस कैटेगरी में जितना टोल टैक्स लगता है, उसका दुगुना देना होगा। ये कदम डिजिटल तरीके से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे भुगतान के लिए लगने वाला समय कम होगा और ईंधन खपत में भी कमी आएगी। इससे कुल मिलाकर यात्रा निर्बाध हो सकेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।